सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत में काला जादू बैन है, लेकिन फिर भी लोग जल्द से जल्द अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए इस तरह के जादू पर न सिर्फ यकीन करते हैं बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। यहाँ हम आपको भारत की ऐसी 7 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ आज भी काला जादू किया जाता है। सुल्तान शशि, हैदराबाद। इस जगह को काला जादू जैसी एक्टिविटीज का अड्डा माना जाता है। यहाँ कुछ ऐसे बाबा रहते हैं जो शादी के बाद आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए महिलाओं से सेक्स करते हैं। यहाँ काला जादू करने वाली महिलाएं भी होती है जो परेशानी का सॉल्यूशन के लिए खुद के लड़के से सेक्स करने के लिए कहती हैं। सुल्तान शशि में कुछ लॉज भी चलाई जाती हैं जहाँ लोग काले जादू की प्रैक्टिस करते हैं। इस सब के बावजूद आंध्र प्रदेश में काला जादू रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। पेरिंगुटुकारा, केरला। केरल के छोटे से गांव त्रिशूर में काले जादू किए जाने के प्रमाण मिले हैं। इसके चलते ये गांव काफी फेमस हो गया है। काला जादू देखने के लिए यहां टूरिस्ट आते हैं। यहां चट्टान और कुटिचट्टन को विष्णु का अवतार मानते हैं जो भैंस की सवारी करते हैं और जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। यहां पुजारी चट्टान को पास रखकर अलग अलग तरह की पूजाएं करते हैं। मुगुलपुरा, छतरिंका और शाहिल बंदा, पुराना हैदराबाद। पुराने हैदराबाद की ये जगह अंधविश्वास और काला जादू जैसी इलीगल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती हैं। यहाँ इनको प्रोफेशन बना लिया गया है। काला जादू करने वाले लोग पीड़ितों की भावनाओं से खेलते हैं। वे दावा करते हैं कि लकड़ी की गुड़िया की पूजा कर वे उनकी सभी तरह की परेशानियों को दूर कर देंगे। वाराणसी शमशान, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में काला जादू करने वाले तांत्रिक साधुओं को अघोरी कहा जाता है। ये यहाँ के शमशान घाट पर तंत्र साधना करते हैं। ये तांत्रिक कहते हैं कि ये काला जादू शिव भगवान काली माता को खुश करने के लिए करते हैं ताकि वे उन्हें ज्यादा पावरफुल बना दें। निमतला घाट, कोलकाता। कोलकाता के निमतला घाट पर काला जादू करने के संकेत मिलते हैं। रात के समय में यहाँ पर अघोरे आकर काले जादू की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ शमशान में भी अघोरी देर रात को जाकर चिता के जलने के बाद बचे हुए मांस को खाते हैं और इसे शक्तियाँ पैदा करने के लिए जरूरी बताते हैं। मायोंग, असम। असम का मायोंग गांव वैसा है जिसे काले जादू का गढ़ माना जाता है। इस गांव का नाम लेने से भी आसपास के गांव वाले डरते हैं। यहाँ के हर घर में आज भी जादू किया जाता है। मान्यता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी जगह से हुई है। असम का ये छोटा सा गांव मायोंग गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।